हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिमबस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिंदुस्तान के आखिरी गांव छितकुल तक। छितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला में बसा है और हिमाचल के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये बसपा नदी के किनारे 3450 मीटर के एलिवेशन पर है और बसपा घाटी में पुराने हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट का आखिरी गाँव भी है। सर्दियों में यहाँ काफ़ी बर्फ़ रहती है और इसीलिए ये जगह पर्यटकों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी है। हालांकि यहाँ पहुँचने के रास्ते आसान नहीं हैं। करछम के बाद का पूरा रास्ता एक संकरी ढांक से होकर गुजरता है। अभी कुछ साल से इस रास्ते को बीच बीच से चौड़ा कर दिया गया है, वरना पहले तो पास देने की जगह भी कम ही थी। इस वीडियो में आपको दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर देश के किसी भी कोने से छितकुल पहुंचने के सारे ऑप्शंस की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज 15 दिसंबर है और शाम के 5:30 बजे मैं हूं चंडीगढ़ बस स्टैंड में। दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर शिमला कहीं से भी छितकुल के लिए सीधी बस कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे में दो ऑप्शंस हैं। या तो आप पहले रिकॉम्पियो चले जाएं, जहां से छितकुल की 2 सीधी बसेस उपलब्ध हैं, या फिर दिल्ली से सांगला जाने वाली बस पकड़नी पड़ेगी। हालांकि वो बस चंडीगढ़ से देर रात निकलती है और शाम को सांगला पहुंचती है, फिर ऐसे में सेम डे छितकुल पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने चुना है पहला ऑप्शन, यानी रिकॉम्पियो से होते हुए छितकुल जाने का। चंडीगढ़ से रिकॉम्पियो की 5 सीधी बसेस उपलब्ध हैं, जिनमें से 2 मॉर्निंग में और 3 बसेस इवनिंग में हैं। इसके अलावा 2 नाइट बसेस हरिद्वार और दिल्ली से भी आती हैं। मैं 5:50 वाली डीलक्स बस से रिकॉम्पियो जा रहा हूँ। बस यहाँ शिमला वाले काउंटर पर लग चुकी है। साथ में ही 10 मिनट के गैप पर यहाँ से रिकॉम्पियो के लिए एक और ऑर्डिनरी बस भी चलती है, वो भी यहाँ काउंटर पर लग चुकी है। डिलक्स बस का किराया जहाँ 960 रुपये है, वहीं ऑर्डिनरी का किराया 780 रुपये। साथ ही में ये 6:45 बजे चलने वाली धर्मशाला शिमला बस भी खड़ी है। इस बस की हालत वैसे काफ़ी दयनीय लग रही है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। शिमला साइड जाने वाली बसेज यहाँ से 28 से 31 नंबर काउंटर से चलती हैं। अभी कंडक्टर साहब टिकट्स बना रहे हैं, हालांकि ये डीलक्स बस अक्सर ऑनलाइन ही बुक हो जाती है। HRTC ने 35 डीलक्स बसेस करीब 5 साल पहले खरीदी थी। इनमें आपको 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में पुशबैक सीट्स की सुविधा मिल जाती है। इनमें चार्जिंग पोर्ट्स और टीवी भी है, पर टीवी बस शोपीस ही है। HRTC ने बाकी रूट्स की डीलक्स बसेस का किराया ऑर्डिनरी के लगभग बराबर ही कर दिया है। बस रिकॉम्पियो वाली 2 डिलक्स बसेस का किराया ऑर्डिनरी से 20% ज़्यादा है। यहाँ चंडीगढ़ बस स्टैंड में और भी काफ़ी HRTC बसेस खड़ी हैं। फिर ठीक 5:50 पर हम यहां से चल पड़े। पीक सर्दियों का टाइम है, तो 6:45 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो गया है। वैसे चंडीगढ़ से रिकॉम्पियो की यात्रा हम काफ़ी बार आपको दिखा चुके हैं, तो आज के इस सफ़र में मैंने बस आराम ही किया। ये डीलक्स बस इस रूट पर अवेलेबल सबसे कंफर्टेबल बस है, क्योंकि आप आराम से सोते हुए करीब 12.5 घंटों में रिकॉम्पियो पहुंच जाएंगे। दिन में इस यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। तो सोलन, शिमला और रामपुर होते हुए सुबह 6:30 बजे मैं पहुंच गया हूं रिकॉम्पियो बस स्टैंड, और यहाँ सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड है। छितकुल जाने वाली बस का टाइम यहां से 9:30 बजे है, तो तब तक मैं बस स्टैंड के सामने भगवती होटल में फ्रेशन अप हुआ।
और ब्रेकफास्ट भी यहीं पर किया। इसके अलावा यहाँ ऊपर वो अभिषेक होमस्टे और यहाँ नीचे एप्पल रिजॉर्ट है, आप यहाँ भी कुछ देर आराम कर सकते हैं। 9 बजे फिर मैं वापस बस स्टैंड आ गया और बस के इंतज़ार में हूँ। अब धूप निकल आई है और लोग यहाँ बेंचेस पर बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं। ये है रिकांगपियो का सुंदर बस स्टैंड। अभी पूह से शिमला जाने वाली बस यहाँ लगी हुई है जो कि 9:30 बजे यहाँ से चलती है। ये नीचे बसेस की छोटी सी पार्किंग भी है। रिकांगपियो भले ही हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अंदर बसा हुआ है, पर यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार के अलावा हिमाचल के सभी बड़े शहरों के लिए सीधी बसेस उपलब्ध हैं। साथ ही आगे स्पीति घाटी के लिए भी बसेस यहाँ से मिल जाती हैं। ये यहाँ से चलने वाली बसेस का टाइम टेबल है। तो करीब 9:20 पर हमारी बस यहाँ पर आ गई। रिकांगपियो से छितकुल के लिए 2 बसेस जाती हैं, एक ये 9:30 बजे जाएगी और दूसरी दोपहर 12 बजे। दोनों रूट्स पर 37-सीटर बसेस भेजी जाती हैं और बस भी यहाँ BS4 या BS6 मॉडल की रहती हैं। आज हमारी बस के स्टाफ हैं ड्राइवर पवन कुमार जी और कंडक्टर हैं आशीष शर्मा। चालक और परिचालक दोनों बिलासपुर से हैं। अभी बस के चलने में 5-10 मिनट बाकी हैं तो उस्ताद जी ने बोला कि चाय पी ली जाए, तो यहाँ बस स्टैंड की कैंटीन में हम चाय पीने आए। फिर इसके बाद 9:30 बजे हमारी बस रिकांगपियो बस स्टैंड से चल पड़ी। रिकांगपियो से चलकर हम पवारी, कड़छम, कुप्पा, सांगला, बटसेरी और रक्षम होते हुए छितकुल जाएंगे। रिकांगपियो से छितकुल की दूरी 66 किलोमीटर है और किराया है 149 रुपये। बस स्टैंड से तो कम ही सवारी मिलती है, बाकी नीचे चौक तक बस लगभग भर ही जाती है। रिकांगपियो के आसपास बसे गांव को शाम में जो बसेस जाती हैं उनका नाइट स्टे वहीं पर होता है, तो इस वक्त वो सब बसेस हमें वापस आते हुए मिलेंगी। फिर हम पहुंच गए रिकांगपियो के मेन चौक पर। यहाँ पर लगभग सभी बसेस 2-4 मिनट सवारियों का वेट करती ही हैं। फिर 9:45 बजे हम यहाँ से छितकुल के लिए निकल गए। अभी हमें सांगला तक की ही टिकट मिली है क्योंकि रास्ते में कहीं ब्लास्टिंग का काम चल रहा है तो सांगला से आगे जाने का पक्का नहीं है। रिकांगपियो करीब 2300 मीटर के एलिवेशन पर बसा है और अभी हमें नीचे पोवारी तक उतराई उतरनी है। इन टर्न्स को पोवारी की कैंचियाँ कहा जाता है, जो कि पहले काफ़ी संकरी थी पर अब इन्हें ठीक ठाक चौड़ा बना दिया गया है।
फिर जल्दी ही हम पहुंच गए पोवारी में। लेफ्ट में रास्ता स्पीति घाटी की ओर जाता है, जबकि हमें सीधे निकल जाना है। अब करछम तक हमें इस NH5 पर सतलुज नदी के साथ साथ ही चलना है। नीचे यहाँ सतलुज का पानी टनल से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है, जबकि पावर हाउस आगे रल्ली में बनाने का प्रपोजल है। थोड़ा आगे फिर पानी का आउटलेट टनल के थ्रू वापस यहाँ मिल जाता है। वैसे पोवारी से थोड़ा पहले केशंग हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, और आगे शिमला रोड पर करछम वांगतू प्रोजेक्ट तो है ही। तो 20 किलोमीटर के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ के पहाड़ पहले ही काफ़ी नाजुक हैं और स्थानीय लोग इन प्रोजेक्ट्स का काफ़ी विरोध भी करते हैं, पर फिर भी इन नए प्रोजेक्ट्स का काम बदस्तूर जारी है। पहले जहाँ लैंडस्लाइड सिर्फ मानसून के वक्त होते थे, पर अब पूरे साल कभी भी कहीं भी लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। शोंगटोंग ब्रिज होते हुए फिर हम पहुंचे रल्ली गांव। यहां सामने पहाड़ी पर एक नया रोड बनाने का काम चल रहा है, जो कि करछम से सीधे रिकोंगपियो तक जाएगा और फिर पोवारी के टर्न्स बाईपास हो जाएंगे। दस बजकर 20 मिनट पर हम पहुंच गए करछम। यहां लेफ्ट में बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट का पावर हाउस है और सामने थोड़ा आगे है करछम वांगतू प्रोजेक्ट का डैम। करछम से हम ये NH5 छोड़कर सांगला की ओर मुड़ जाएंगे। अगर आप शिमला साइड से दूसरी किसी बस में आते हैं तो आप करछम में उतर सकते हैं। यहाँ से सुबह 10:15 और दोपहर को 1:15 आपको छितकुल की बस मिल जाएगी। तो करछम से हम मुड़ गए सांगला और छितकुल वाले रोड पर। ये लेफ्ट में करछम वांगतू प्रोजेक्ट का डैम है, जिसका पावर हाउस आगे वांगतू में है। ये सामने जो रोड है, ये रिकोंगपियो जाने का पुराना रास्ता हुआ करता था। अब तो ये आधा पानी में समा गया है। ये सामने बसपा प्रोजेक्ट का पावर हाउस है और इसका डैम आगे सांगला के पास है।
करछम से आगे हम बसपा नदी के साथ साथ चलेंगे। बसपा सतलुज की सहायक नदी है और बसपा घाटी में सांगला और छितकुल प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब आगे का पूरा रास्ता संकरा और सिंगल है और पहाड़ है एकदम खतरनाक। यहाँ पर टिकट चेक करने वाले इंस्पेक्टर भी आ गए, तो बिना टिकट कभी यात्रा ना करें। रक्षम यहाँ से अभी 27 किलोमीटर दूर है और छितकुल 37 किलोमीटर। यहाँ भेड़ों का झुंड इस तरफ आ रहा था, लेकिन बस की आवाज़ सुनकर बेचारे वापस भाग गए। सांगला से आगे छितकुल का रोड वैसे उतना खतरनाक नहीं है जितना कि करछम से सांगला तक का है, क्योंकि एक तो ढांक काटकर रोड बनाया गया है और नीचे है गहरी खाई। यहां पास में काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, इसलिए अब रोड के साइड में थोड़ी जगह बनाकर पैरापेट लगा दिए गए हैं। ये सांगला से थोड़ा पहले माँ शेरावाली का मंदिर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिकांगपियो से सांगला साइड को तो काफ़ी बसेस हैं, जिनमें दो छितकुल वाली बसेस के अलावा शाम को एक बस रक्षम आती है, साथ ही कुछ प्राइवेट बसेस भी हैं। पर दिल्ली चंडीगढ़ या फिर शिमला साइड से सांगला के लिए बस एक ही बस है। ये बस दिल्ली से रात में चलकर चंडीगढ़ शिमला होते हुए अगली शाम को सांगला पहुँचती है। तो ऐसे में फिर शाम को सांगला से प्राइवेट कैब से आप छितकुल जा सकते हैं, या फिर सांगला में ही नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आप छितकुल पहुंच जाएंगे।
फिर हम इस पॉइंट पर पहुंच गए जहां ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए दोनों तरफ गाड़ियों को रोका गया है। एक्चुअली यहां पर पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, तो ब्लास्टिंग करके इन्हें पहले ही गिरा दिया जाएगा। अभी दरारों में एक्सप्लोजिव डाल दिया गया है और ऊपर से मिट्टी भरी जा रही है। गाड़ियों को क्रॉस कराने के बाद फिर ब्लास्टिंग की जाएगी। यहाँ आधा घंटा वेट करना पड़ा तो सब बातों में व्यस्त हैं। ये टूरिस्ट मध्य प्रदेश से आए हैं और स्पीति घाटी घूम कर आ रहे हैं। पहले इन्होंने शिमला से किन्नौर की टैक्सी की थी, जिसमें काफ़ी पैसे लग गए। फिर इन्हें पता चला कि HRTC बसेस भी इन सब जगह जाती हैं, तो आगे स्पीति और छितकुल का सफ़र ये बसेस से ही कर रहे हैं। फिर करीब 12:15 बजे हम यहां से आगे चल पड़े। सांगला से थोड़ा पहले यहाँ कुप्पा में है बसपा रिजर्वायर, यानी बसपा प्रोजेक्ट का डैम, जिसका पावर हाउस नीचे कड़छम में था। ये रिजर्वायर बसपा वैली का एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है। फिर हम पहुँच गए कुप्पा, जो कि सांगला से 4 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव है। ग्यारह बजकर 55 मिनट पर हम पहुंच गए सांगला बस स्टैंड। यहाँ पहुँचने का समय वैसे 11:30 बजे का है और बस का यहाँ आधे घंटे का ब्रेक भी होता है, और फिर 12 बजे बस यहाँ से छितकुल की ओर चलती है। पर आज हम लेट हैं, तो चलने का टाइम पर ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए एक बस, चंडीगढ़ के लिए 2 बसेस, रिकॉन्गपियो के लिए 2 बसेस और छितकुल के लिए 2 बसेस जाती हैं। यहाँ बस स्टैंड काफ़ी खुला डुला है और पीछे बसेस की समय सारिणी भी लगी है। इनमें से मंडी छितकुल और चंडीगढ़ सांगला डिलक्स बसेस फ़िलहाल अभी बंद हैं। फिर 12 बजे हम सांगला से छितकुल की ओर चल पड़े। बस स्टैंड के थोड़ा बाद ही आ जाती है सांगला की मेन मार्केट। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ सारा सामान आपको मिल जाएगा।
सारे बड़े होटल्स मार्केट के आगे वाली तरफ को हैं। सांगला से आगे यहाँ रास्ता डबल लेन करने का काम भी चल रहा है। सांगला बसपा घाटी का मुख्य शहर है और इसीलिए इस घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ साल पहले तक सांगला और छितकुल को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर के पास होने के कारण 90s तक टूरिस्ट को इस तरफ आने की अनुमति ही नहीं थी। पर अब इस तरफ पर्यटन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे होटल्स भी खुल गए हैं। कुप्पा डैम के अलावा आप सांगला में कामरू फोर्ट, नाग मंदिर, ट्राउट फार्म और बसपा नदी के किनारे घूम सकते हैं। सांगला की होली भी काफ़ी फेमस है और अब काफ़ी लोग यहाँ होली मनाने भी आते हैं। सांगला रुपिन पास ट्रैक का बेस पॉइंट भी है, जो कि एक हफ्ता लंबा ट्रैक है और उत्तराखंड में धौला में ख़त्म होता है। यहाँ से आप रोहडू के डोडरा कवार भी जा सकते हैं। आगे का रास्ता भी अभी सिंगल लेन ही है, पर नीचे खाई उतनी गहरी नहीं है जितनी कि पीछे थी। हमारी बस नीचे बटसेरी गांव से होकर जाएगी। यहां से हम मुड़ गए बटसेरी गांव की ओर। सिर्फ दो ही बसें बटसेरी गांव तक जाती हैं, एक हमारी ये बस जो कि छितकुल जाते हुए बटसेरी जाएगी और दूसरी रक्षम दिल्ली बस जो कि सुबह दिल्ली जाते हुए बटसेरी जाती हैं। बटसेरी गांव नीचे नदी के किनारे बसा है और पिछले साल यहाँ नीचे एक खतरनाक हादसा भी हुआ था, जिसमें ऊपर से बड़े पत्थर नीचे इस पुल पर आकर गिर गए थे। इसमें पुल पूरी तरह टूट गया था और ये नया पुल बनाया गया है। इस हादसे की चपेट में एक वैन आ गई थी, जिसमें कि 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। बटसेरी गांव का रास्ता काफ़ी संकरा है और किसी भी टर्न पर बस एक बार में मुड़ ही नहीं पाती। फिर हम पहुंच गए बटसेरी। बस पुल के इस पार तक ही आती है और इसके बाद लोगों को पैदल ही गांव तक जाना होता है। बटसेरी से होकर फिर हम मेन रोड पर पहुंच गए और यहां से मुड़ गए छितकुल की ओर। दिसंबर तक इस तरफ अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाता था, पर इस साल अभी तक सब रूखा सूखा ही है। नवंबर में हल्की बर्फबारी हुई थी, उसके बाद से अब तक लोग बर्फ की आस में हैं, पर फोरकास्ट के हिसाब से जनवरी से पहले उम्मीद कम ही है।
बर्फबारी के बाद धूल मिट्टी सब बैठ जाती है और सेबों के लिए भी अच्छी बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है, पर हर साल घट रही स्नोफॉल चिंता का विषय है। और जब छितकुल में बर्फबारी हो जाती है उस समय बसें सिर्फ सांगला तक ही आती हैं। फिर 1 बजे हम पहुंच गए रक्षम। रक्षम सांगला के बाद इस और बड़ा गांव है और इस शांत गांव में स्टे करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहां हिमाचल टूरिज्म का होटल भी है। रक्षम से छितकुल अब 10 किलोमीटर ही है और करीब आधा घंटा और लग जाएगा। छितकुल जाने वाली बसेस में भीड़ करछम से लेकर सांगला तक ही रहती है। रक्षम के बाद आगे छितकुल की तरफ मैक्सिमम पर्यटक ही होते हैं, जो कि आज 2-4 ही हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच ये बर्फ और बर्फ के बीच से बहती बसपा नदी। यहाँ आकर बसपा घाटी ने अपना खूबसूरत रूप दिखाया। छितकुल को वैसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आगे फिर तिब्बत है। हालांकि ये अकेला ऐसा आखिरी गांव नहीं है। किन्नौर में ही चारंग और नमग्या जैसे और भी गांव हैं जो कि तिब्बत बॉर्डर के ज़्यादा पास हैं। क्योंकि चारंग और नमग्या में टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते, इसीलिए छितकुल आखिरी गाँव के नाम से ज़्यादा फेमस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छितकुल से आगे बॉर्डर करीब 75 किलोमीटर दूर है, जबकि चारंग से बॉर्डर सिर्फ 35 किलोमीटर और नमग्या से तो बस 20 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड में भी कुछ गांव हैं जो कि तिब्बत बॉर्डर के पास हैं और उन्हें भी हिंदुस्तान के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। मैं 5 साल के बाद आज छितकुल आ रहा हूँ।
उस समय यहाँ पर बस दो चार ही होमस्टे होते थे, पर अब गांव की शुरुआत से ही 12-15 होटल्स का काम चल रहा है। तो 1:30 बजे हम पहुँच गए छितकुल, हिंदुस्तान के आखिरी गांव। बस इस चौक तक ही आती है और आधा घंटा यहाँ रुककर 2 बजे वापस चलेगी। ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो कि आपने इंटरनेट पर बहुत बार देखा होगा। ये इतना फेमस है कि सारा अली खान, आशीष विद्यार्थी और कुणाल कपूर जैसे कई एक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अपनी बस के स्टाफ भी यहीं पर लंच करेंगे। इस सुंदर व्यू के साथ हमने धूप में बैठकर यहाँ कढ़ी, राजमा और चावल खाए। एक थाली का प्राइस यहाँ 100 रुपये रहता है, जिसमें सब्जी, दाल, राजमा, रोटी और चावल होते हैं। छितकुल गांव में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ 500 साल पुराना माठी टेंपल है, जो कि अपने लकड़ी के आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर छितकुल माता को समर्पित है, जिन्हें शिरोमणि देवी माता के नाम से भी जाना जाता है। छितकुल गांव से 3-4 किलोमीटर दूर ये नगस्थी ITBP पोस्ट है और इसके आगे टूरिस्ट को जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर यहाँ से करीब 75 किलोमीटर दूर है। छितकुल लमखागा पास और बुरासू पास ट्रैक्स का बेस पॉइंट भी है, जो कि दोनों उत्तराखंड तक जाते हैं। फेमस रानी कांडा के मैदान भी लमखागा पास के रास्ते में ही आते हैं। ये दोनों ट्रैक्स किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ करना ही बेस्ट है। स्टे की बात करें तो यहाँ होबिट हाउस एक अच्छी रुकने की जगह है, जहाँ कैबिन फॉर टू 1500 रुपीज़ का है और इसमें 2 लोग रुक सकते हैं। इस होस्ट में ब्रेकफास्ट भी शामिल है। दो बज गए हैं और बस का यहाँ से वापस चलने का टाइम भी हो गया है। बस के आगे ये डॉगीज आराम फरमा रहे हैं। छितकुल से दिन में 2 बसेज जाती हैं, एक हमारी बस जो कि 2 बजे रिकांगपियो जाती है और 3:30 बजे दूसरी बस जो कि शिमला होते हुए सीधे चंडीगढ़ जाती है। हालांकि वो बस वापसी में छितकुल नहीं आती और सीधे रिकांगपियो जाती है। 2 बजे फिर हम यहाँ छितकुल से वापस चल पड़े। ढाई बजे फिर हम पहुंच गए वापस रक्षम और यहां से बस को थोड़ी सवारियां मिली। ये सामने से आ रही है रिकांगपियो छितकुल रूट की बस। ये बस वापसी में सीधे चंडीगढ़ जाएगी। साढ़े 3 बजे हम पहुंच गए सांगला। अब दिन ढलने लगा है और ठंड भी बढ़ने लगी है।
ये सामने से आ गई दिल्ली सांगला बस, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ और शिमला साइड से सांगला आने के लिए एकमात्र सीधी बस है। साढ़े पाँच बज गए हैं और शाम भी हो गई है। ये सामने किन्नर कैलाश के पहाड़ सूर्यास्त की रोशनी में चमक रहे हैं। अब हम रिकांगपियो पहुंचने वाले हैं, तो रिकांगपियो से छितकुल के 66 किलोमीटर के सफ़र में ये बस साढ़े तीन से चार घंटे ले लेती है। फिर पौने छः बजे हम पहुंच गए वापस रिकांगपियो बस स्टैंड। विदा लेने से पहले ड्राइवर साहब ने कहा कि एक एक चाय हो जाए, तो हम यहाँ नमग्याल ढाबे पर चाय पीने के लिए आए। तो दोस्तों, ये था हमारा रिकांगपियो से छितकुल और वापसी का सफ़र। उम्मीद है इस वीडियो में आपको छितकुल घूमने से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।